हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जा रहे हैं हम कनॉट प्लेस, क्योंकि हम लोग एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अभी डेट डिसाइड नहीं है, बट इसी जून में ही जाने की जाएंगे, क्योंकि दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो सब अपने ऑफिस में उन्होंने लीव अप्लाई कर रखा है, बाकी बस अप्रूवल का डेट अप्रूवल की देरी है। तो जैसे अप्रूव हो जाएगी तो हमें डेट डिसाइड हो जाएगी। कनॉट प्लेस जाने का ये है कि थोड़ा सा मुझे ना एक बैग खरीदना है, तो मतलब वहाँ पे मैंने देखा है कि अच्छा बैग मिल जाता है, कि वहाँ पे ट्रिप पे जाएंगे तो एक बैग अच्छा सा होना चाहिए, वाटरप्रूफ। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, बाकी देखते हैं। सो मानसी को पिक करते हैं और चलते हैं कनॉट प्लेस। तो फाइनली एक घंटा वेट कराने के बाद मैं आ गई थी। फिर हम गए कनॉट प्लेस इतनी रात में, क्योंकि ऑफिस से हम थोड़ा सा काम वाम भी कर रहे थे। फिर हम पहुँचे और उस टाइम तक आई थिंक 8 या 8:30 कुछ हो चुके थे, मोस्टली शॉप्स बंद भी हो गई थी। प्लेस हम आ गए हैं और हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। थोड़ा सा दूर था तो हम लोगों ने ऑटो ले लिया और यहाँ से हम जा रहे हैं जसवंत मार्केट। हाँ, कि वहाँ से थोड़ा सा बैग देख लेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। कौन सा कैफे देखा था तुमने? स्नैक कैफे ट्राई करेंगे, क्योंकि उसका हमने देखा भी था। चलिए फिर हम ऑटो करके पहुँचे जनपद मार्केट। और मतलब पता नहीं क्यों बट ये इतनी एक्सपेंसिव हो गई है और लोग तो प्राइस कम भी नहीं करते हैं। हमें एक्चुअली एक बैग लेना था, हम दोनों को ही लेना था। मुझे तो मेरा मिल गया बट सुरित्य नहीं ले पाया अपना बैग, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था और जो चीज़ मिल रही थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मतलब ये ऐसे प्राइस बोल रहे थे जैसे पता नहीं हम किसी शोरूम में पहुँच गए हैं कुछ खरीदने। तो हमने ऐसे कुछ नहीं लिया, मतलब सिर्फ मैंने अपना बैग लिया। और यहीं हमें फिर दिख गई थी यहाँ पे डीपॉल की शॉप, जहाँ पर बिल्कुल फेमस कॉफ़ी मिलती है। तो हमने भी यहाँ से कॉफ़ी ट्राई करी, हमने नॉर्मल कैपेचिनो ही ली थी और इसका टेस्ट भी अच्छा था, बस प्राइस के हिसाब से थोड़ा कम था। फिर हमने यहाँ से लिए मोमोज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। हमने यहाँ से फुल प्लेट चिकन मोमोज लिए थे और ये खा के हम वापस आ गए थे PVR की साइड, बिकॉज स्नैक कैफे इसी रोड पर ही है। देन फिर हम अपना H&M क्रॉस करते करते यहाँ पर पहुँचे। एनएनई भी रिसेंटली ओपन हुआ है तो हमें था कि एक बार ट्राई करते हैं। जनपद में तो हमें कुछ मिला नहीं, तो हम लोगों ने कहा कि यार चल मानसी का बैग लेके हम लोग सीधा स्नैक कैफे आ गए, तो यहाँ कुछ खाते और वापस निकलेंगे। ये ब्लॉग इतना बड़ा नहीं हो पाएगा बट स्टिल वी ट्राइड, मतलब आप लोग को अच्छा लगे। प्लेटर नॉनवेज और एक मीट मोहितो, पर पोर्शन साइज अच्छा था और हम खा के बहुत ही ज़्यादा फुल हो चुके हैं। थोड़ा बच गया था तो हम पैक करा रहे हैं। तुम्हारा कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा फुल हो गए हैं यार। सो अब ये ब्लॉग एंड करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय।